हिमाचल में धार्मिक स्थल खुलते ही पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है खबरू महादेव। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट भी खबरू महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शाहपुर के बो वैली का शांत सुंदर एवं हरियाली से भरा पहाड़ी इलाके में बसे धार्मिक खबरू महादेव मंदिर के लिए भीतर और बाहर चारों ओर से आंखों को दीवाना करने वाली खूबसूरती देखने को मिलती है। वहीं क्षेत्र में कानों में आकर कुछ कहती हुई ठंडी हवाएं जहां तक वहीं कानों में भी आकर ठंडी हवाएं लोगों का मन मोह लेती हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाई जाए वहां तक खूबसूरत चोटियां ही नजर आती हैं। आपको बता दें कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। धार्मिक स्थल खुलते ही गर्मियों में यहां सैलानी खूब भीड़ लगा रहे हैं, क्योंकि एक ओर जहां दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई जैसे शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी है, तो वहीं यहां पर 12 महीने जलवायु खुशनुमा रहता है। पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था स्थानीय युवा कैंपिंग व होम स्टे से करवाते हैं। टूरिज्म प्रोफेशनल स्थानीय युवक मंडल के प्रधान तरसेम जरियाल ने बताया कि खबरू झरना हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ा झरना है और इस झरने की आस्था पांडवों के साथ जुड़ी है। बुजुर्गों की माने तो इस झरने का निर्माण भीम ने द्रौपदी के स्नान के लिए बनाया था। राधाष्टमी व जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने भी पहुंचते हैं। जरियाल ने बताया कि खबरू वाटरफॉल में अलग अलग राज्यों के लोग आना पसंद करते हैं। अभी तक यहाँ जिला उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति भी अपने परिवार के संग आ चुके हैं और कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी, RTO, SDM, ADC परिवार संग यहाँ पहुंच चुके हैं। तरसेम जरियाल ने यहाँ आने वाले पर्यटकों से आग्रह किया कि इस जगह को स्वच्छ और इसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी निभाएं। नमस्कार साथियों, मैं तरसेम जरियाल, टूरिज्म प्रोफेशनल, बो घाटी का स्थायी निवासी। मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बो घाटी, जिसे जन्नत की दृष्टि से निहारा जा रहा है, यहाँ पर सैकड़ों सैलानी बाहरी राज्यों से यहाँ का रुख कर रहे हैं। बहुत खुशी है, बिकॉज जो लोकल स्थानीय युवा है उनके लिए, युवाओं के लिए जो है रोज़गार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो बसते हैं खबरू महादेव, यहाँ जैसे ही प्रदेश सरकार की तरफ से धार्मिक स्थल खोले गए हैं, तो इसके चलते यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपसे छोटी सी आग्रह करना चाहूँगा, चाहे आप खबरू महादेव आएँ, चाहे आप कहीं भी जाएँ, तो यहाँ पर किसी भी पर्यटक स्थल को संरक्षित करने के लिए वहाँ पे स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग करें। और जो भी आप पॉलीथीन लाते हैं उसे अपने पॉलीथीन बैग में लाकर यूज़ करने के बाद वापस लाएं। इसके साथ साथ जो भी कोविड को लेकर जो भी अभी जो गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से, उसका भी भरपूर पालन करें। बड़ी खुशी है आप यहाँ आ रहे हैं, हमें बेहद खुशी है। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी आप खबरू की तरफ आते हैं, तो जो भी रास्ते में आपको कोई पॉलीथीन दिखता है या रास्ते में इधर उधर फेंकने को देखने को मिल रहा है, वैसा ना करें, यही हम आपसे विनती करते हैं। और वैसे तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जैसे दिल्ली, जैसे मुंबई जैसे शहरों में जो प्रचंड गर्मी है, उससे निहात पाने के लिए काफ़ी टूरिस्ट जो है वो हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं। हिमाचल का सबसे ऊँचा झरना जो खबरू महादेव है, खबरू जलप्रपात है, जो जिसकी आस्था जो है पांडवों से जुड़ी है, जिसकी आस्था जो है महादेव शिव जी भगवान से जुड़ी है, यहाँ का रुख कर रहे हैं, यहाँ पे पवित्र डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी पर्यटक यहाँ पर आए हैं और जो भी अभी आना चाहते हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। मैं नरेश शर्मा, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र धर्मशाला। मैं आज यहाँ खबरू वाटरफॉल देखने के लिए आया, और इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। जितनी इसकी सुंदरता है, इसकी सुंदरता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये बाकी धरती पे एक स्वर्ग है। और जब हम बात करते हैं इस खबरू वाटरफॉल की, क्योंकि मैं भी धर्मशाला में एक जिला युवा अधिकारी हूँ, और अगर इस नाते मैं इसको कहना चाहूँगा, तो मुझे लगता है कि हमें इसकी रक्षा और इस एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं स्पेशली बधाई देना चाहूँगा युवक मंडल बो के प्रधान मिस्टर तरसेम जरियाल को और उनकी टीम को। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पर करी है, बहुत ज़्यादा टाइम पे यहाँ पे जगह समय समय पर
स्वच्छ अभियान भी चलाते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कमियां हमने कुछ थोड़ी सी देखी हैं कि जैसे जगह जगह पे डस्टबिन होने चाहिए, हालांकि प्रशासन को भी ये चीज़ चाहिए कि प्रशासन इस तरफ थोड़ा सा गौर करे, और गौर करने के साथ साथ जहाँ हर आधे किलोमीटर पे या 400 मीटर पे एक एक डस्टबिन होना चाहिए, ताकि इसके जैसे सुंदर जगह जो है वो कभी गंदी ना हो। और हमें लगता है कि अगर इस प्लेस को और सुंदर बनाया जाए तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है, और इसकी सुंदरता को हम सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग पैनल के थ्रू, अलग अलग मीडिया के थ्रू भी हम इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। जितना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, मुझे लगता है कि हम इसको और बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और जिसकी जो इसकी सुंदरता है, इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए मेरा निवेदन रहेगा, हमारे तमाम पर्यटक जो भी यहाँ पर देखने के लिए भी आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इस प्लेस को गंदा ना करें। स्पेशली जब यहाँ पर नाइट रुकने की बात है या लोगों के आने की बात है, तो बहुत सारे लोग यहाँ कुरकुरे या बिस्किट्स या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन रैपर्स जो हैं वो हर बार यहाँ पर कहीं ना कहीं फेंक दिए जाते हैं। तो मेरा पर्यटकों से भी रिक्वेस्ट रहेगा, उनसे निवेदन रहेगा कि जब भी वो इस जगह पे आएँ तो कृपया इस जगह को सुंदर बनाने के लिए आप जितना हो सके उतना भरसक प्रयास करें। हमारी तरफ से भी, मैं स्पेशली नेहरू युवा केंद्र की बात करूँगा, तो मेरा निवेदन रहेगा इस युवक मंडल बोर्ड से भी कि हम आपके सहयोग से जितना पॉसिबल होगा हम इसकी सुंदरता को निखारने का काम करेंगे, और जितना हो सकेगा आपके साथ मिलकर हम इस नेक काम में, इस सुंदर जगह को और सुंदर बनाने में भरसक कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर, आप फाइटर पायलट हैं एयरफोर्स में, और आप तो सर आसमान में उठते हुए हर जगह जाते हैं, हर जगह एक्सप्लोर करते हैं। आप आज वो वैली में, इस खबरू वाटरफॉल में आए हैं, तो आप इसको कैसा कनेक्ट करना चाहेंगे? ये आपने बहुत सही बात की है, जब तो हवा में उड़ते हैं तो सिर्फ आसमान और क्लाउड को छोड़ के इतना ब्यूटीफुल सीनरी होता है, बट वही माहौल और वही सीनरी आज मेरे को इधर देखने को मिल रही है, जो जिसको बोलते हैं दिस इज ऑलमोस्ट टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे, जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें? प्लीज एक्सप्लोर दी अनटच टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट रिमेंबर टेक प्रिकॉशन एंड डोंट डर्टी द प्लेस, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड विजिट, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने परिवार के साथ खबरू वाटरफॉल आया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मैग्निफिसेंट प्लेस। जब यहाँ पहुँचे जो थकान थी हमारी वो तुरंत दूर हो गई आफ्टर सीइंग द वाटरफॉल। इट इज़ सच ए मेजेस्टिक एंड आई थिंक इफ आई एम करेक्ट दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट और हाईएस्ट वाटरफॉल इन हिमाचल। जब हम इसको देखते हैं अविस्मरणीय यादें जो हैं इसके साथ जुड़ जाती हैं, और ये ट्रिप जो है हमारी हमेशा के लिए एक यादगार लम्हे हमारे को छोड़ के जाएगा। एज ए फैमिली वी हैव इन्जॉयड इट थरली, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल, ऑल्दो ये 1.5 hours का ट्रैक है, बट जब फैमिली के साथ आते हैं आई थिंक जब आप पहुँचेंगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, और यू शुड इन्जॉय दिस ट्रिप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप फिर से शुरू करना सर, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगा। आपने स्नान किया? हाँ। और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। वेरी नाइस। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ओके, आप क्या बोलना चाहते हैं इस वाटरफॉल के बारे में? यहाँ बहुत अच्छा है और इसके नाम है खबरू वाटरफॉल। खबरू वाटरफॉल, ये बहुत अच्छा वाटरफॉल है, ट्रैकिंग में एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, यहाँ देखने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी जगह है। हम तो चेन्नई से आए हैं तो बीचेस के बाद पहाड़ का तो अलग ही मजा होता है। बहुत ही सुंदर है और बेस्ट है कि अनटच्ड है बिल्कुल। थोड़ा सा ट्रैक है तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऊपर आके यहाँ बैठ के तो बहुत ही अमेजिंग रहा। मैम आप कहाँ से आए और कैसा एक्सपीरियंस? हम देहरादून से आए हैं। देहरादून में बहुत सारी जगह घूमने की मंजूरी, बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और यहाँ पे बहुत ही सेक्लूडेड है, बहुत ही सुंदर है वाटरफॉल, तो प्लीज़ कम ओवर हियर एंड एन्जॉय द ब्यूटी। मैम आप कहाँ से आए हैं और जो ट्रैक किया है विलेज के थ्रू होकर आप आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? हम लोग आए तो धर्मशाला से है, पर यहाँ पहले कभी नहीं आए थे, और वातावरण के बीच ये जो इतना सुंदर वाटरफॉल है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रैक है
बिल्कुल दैट इज वर्थ विजिटिंग एंड वर्थ गोइंग ऑन, बट बच्चों के साथ सजेशन फॉर जो यहाँ से और भी आएंगे उनके लिए कोई मैसेज, वीडियो देखेंगे उनके लिए मैसेज? नहीं, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, साथ में पानी कैरी करें, खाने का थोड़ा बहुत सामान कैरी कर लें अगर बच्चों को लेके आ रहे हैं साथ में। रस्ते में फूड आउटलेट है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर फैन विजिट। थैंक यू।